सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज देखें हम महिंद्रा 475 DI का गेयर बॉक्स रिपेयर करेंगे। जो देखिए खुला पड़ा है, ये हमने यहाँ पे बैक गियर लगा दिया है, ये हमने यहाँ पे लगा ली। अब इसके ये वाशर और ये एक लॉक लगाएंगे पीछे से। फिर ये देखिए ये बैक गरारी थी इसकी, ये यहाँ से सब कट चुकी थी। और ये देखिए ये हमने पार्ट बदला है, ये इसका डैमेज पार्ट है। ये काउंटर शाफ्ट है, ये देखिए ये ख़राब हो चुकी है। यह कंघी है, ये भी ख़राब हो चुकी है। ये टॉप शाफ्ट का बैरिंग है, ये भी ख़राब हो चुका है। एक ये डबल गियर, ये भी ख़राब हो चुका है। ये कड़ा काउंटर का, ये भी ख़राब हो चुका है। फिर ये देखिए ये दूसरे तीसरे की गरारी है, ये बैक पहले की है, ये अभी ख़राब हो चुकी है। ये सारा सामान हमने ओल्ड लिया है, ये नया नहीं है। जो हमारे यहाँ पर ट्रैक्टर कबाड़ में मिलता है ये सामान, ये देखिए ये इतना हिस्सा इसका पुराना है, ये बाकी का हिस्सा हमने साफ तरह नई ली है। ये अच्छी हैं, ये कोई भी गियर इसका नहीं कट रहा। किसान का सस्ते में ही काम हो जाता है, 5-7 हज़ार रुपये में पूरा सामान मिल गया ये हमें। यह गरारी है, देखो हल्का फुल्का निशान है इस पर, ये हल्का सा यहाँ पे। इस क्या होता है, जब ये टापे में तय सेलेक्टर कट जाते हैं तो दूसरे गियर इससे टच होने की कोशिश करता है, और टच होकर ही यहाँ पर रगड़ का निशान आ जाता है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर साफ हैं, सीधे दांत है। देखिए ये कपलिंग, ये भी हमने कबाड़ से ही मंगाई है, ये भी देखिए बिल्कुल ओके है। और अब हम इसमें लॉक लगाएंगे, दिखाते हैं। इसमें ये समस्या थी, गियर फंस जाता था बार 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 बार, इनकी समस्या दूर नहीं हो रही थी। पहले भी ये दो बार खुल चुका था। इसमें हम टाप्पा, जो गियर का टाप्पा है उसको नया डाल लेंगे, उसमें कोई जुगाड़बाजी नहीं होगी भाई। गियर का तो ये है, देखो गियर महंगा है, चलो हम भी मानते हैं महंगा है, मगर जो पार्ट चलने लायक है देखो उसी में ही, उसी को ही मिस्त्री चला सकता है। और ज़्यादा जुगाड़बाजी करोगे तो देखो सही से काम नहीं होना और मशीन भी चलने नहीं। अब हम इसको लगाते हैं, यह देखिए काउंटर है। अब हम इसको फिट करेंगे, काउंटर लग चुका है। पीछे बैरिंग लगाएंगे, आगे लगाएंगे। ये वाशर लगानी है, स्पेशल वाशर। इसका जो ये टेपर हिस्सा है वो आगे की साइड रखें यहाँ पे। फिर ये बैरिंग, ये इसको ऐसे उठा मैं आगे की तरह, और ये
एक बैरिंग पीछे लगाएंगे, यह बैरिंग लग चुका है। अब हम पीछे का क्लिप कर लेंगे इसका, ये वाला सर क्लिप है इसका काउंटर साफ का लॉक प्लस की सहायता से। यह देखिए यहाँ पे, यह देखिए बड़े प्यार के साथ गलता है। लाग लगाने के बाद इस बैरिंग को बस ये सूख चुका है। ये तो ये लोक पत्ती है, ये इसका स्पेशल वाशर है, ये दो वो 13 नंबर के हैं। यह देखिए 13 नंबर के बोल्ट हैं, इन 13 नंबर के बोल्टों को टाइट करने के बाद इस पत्ती से लॉक करेंगे। सबसे जो बड़ी गरारी है वो सबसे पीछे पहले की और बैक की है, और इसका जो ये स्लाइडिंग है जिसमें फोर्क फंसेगा ये आगे की तरफ, और ये दूसरे और तीसरे की ये यहाँ पे, इसका भी ये स्लाइडिंग पीछे की तरफ। ये हाई गियर का कड़ा, इसका जो मोटा हिस्सा है वो आगे की तरफ और जो बारीक हिस्सा है वो पीछे की तरफ। ये फोर्थ गियर की गरारी है, इसका भी आगे की तरफ ये स्लाइडिंग रखनी है। और अब हम इसको यहाँ पे ऐसे फिट कर ली, और इसकी ये सिम है पिनियन की, इन तीनों सिमों को, तीन सिम है इसके अंदर। इन सिमों को हम वहीं पे लगाऊंगे जहाँ से फिर इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। और इसको देखिए कैसे फिट करेंगे हम। इसमें एक खाचा आता है, खाचा नीचे साइड करना है, नहीं तो ये सील लीकेज होनी बंद नहीं होने की।
जी हाँ बैठा।